नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। राजस्थान के कण कण में संगीत बसता है और राजस्थान के कण कण और रज रज के हर एक क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति और यहाँ के हर एक संगीत के क्षेत्र के साथ यहाँ का अध्यात्म जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे उभरते हुए सिंगर की जो लगातार आप हमारे चैनल पर भी देख रहे हैं। राजस्थान का ऐसा कोई भी संगीत प्रेमी नहीं होगा जिसकी आवाज पर वो नाम नहीं होगा। हमारे साथ आज फिर लगातार हम तीसरी बार इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे साथ है सवाई भाट। इंडियन आइडल में जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से पूरे देश प्रदेश में राजस्थान के गीत और संगीत और कला का जो गौरव बढ़ाया, सवाई हमारे साथ लगातार तीसरी बार है। और राजस्थान कलयुग के साक्षात जो अवतार है वो है हनुमान जी महाराज। और राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र सालासर बालाजी धाम में आज सवाई भाट आई है और सिद्धपीठ सालासर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद हमारे साथ है सवाई भाट। और सालासर बालाजी से ही बालाजी की अनन्य कृपा के बाद एक ऐसी आवाज पूरे राजस्थान में गूंजती है। सालासर परिवार का ही एक अंग, सबसे बड़ा संगीत के क्षेत्र में जिनकी महक भी करती है, मनोहर जी पुजारी हमारे साथ है। आज हम दोनों से साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे कि सालासर आने के बाद सवाई किस प्रकार का अनुभूति कर रही है और सालासर धाम को लेकर क्या आपका मानना है। सवाई जी, सालासर आए फर्स्ट टाइम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सालासर महाराज जी, मैं आया हूँ यहाँ पे सालासर बालाजी के धाम में। तो सबसे पहले मेरे लिए तो बहुत एक खुश नसीबी की बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, प्यार मिला मुझे। और सालासर के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब कौन नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इतनी चमत्कारी जगह है। और मेरी इच्छा है कि मैं सालासर जाऊँ और दर्शन करूँ और लोगों का आशीर्वाद लूँ, मैं महाराज जी का आशीर्वाद लूँ। तो आज मेरा ये सपना पूरा हुआ, मैं यहाँ पे आया हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ राजस्थान में तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, और बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान मिलता है। और आज ऐसे ही सालासर में मैं आया दर्शन करने के लिए, तो हमारे जो बड़े भैया हैं मनोहर जी, इनका भी आशीर्वाद मुझे मिला, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और बस भैया का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हैं मेरे ऊपर, तो और महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे हैं। सोई जी, इंडियन आइडल की यात्रा से पहले आपका एक कार्यक्रम हुआ था सालासर में और वो भी खूब वायरल हुआ था। जी पहले एक राजस्थान के कलाकार के रूप में आज इंडियन आइडल के स्टार के रूप में सालासर आए, किस प्रकार का फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले जब मैं आया था तो पहले जो एक एक कलाकार को जब एक मौका नहीं मिलता है, और कलाकार हर कहाँ पे जब अपनी किस्मत के लिए दरवाज़ा खटखटाता है, तो वैसे ही मैं छोटे मोटे प्रोग्राम जागरण करता था। और मुझे कुछ मौके भी लाने के लिए, जैसे मेरे अनिल मामा जी जो कि, और काफ़ी लोगों को पता था कि मैं सिंगिंग करता हूँ, तो मुझे मौके देते थे सिंगिंग के लिए। और जब मैं फर्स्ट बार यहाँ पे आया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं शादी में आया था पुजारी परिवार में, और फिर भैया ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था उस समय। तो शायद इन्होंने अभी पहचाना नहीं कि मतलब मैं बाद में, क्योंकि तो खुद ही इतने बड़े स्टार है, तो मतलब देश विदेश घूमते रहते हैं, इनको तो सब पता है। तो अभी इनको पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, तो जस्ट मेरे लिए खुद चला के यहाँ पे आए और मेरा स्वागत करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, बस इनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बिल्कुल, जिस प्रकार सवाई ने अपने संगीत के माध्यम से पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ाया है, आज पूरी देश दुनिया में सवाई के संगीत को सुना जाता है। इनके एक एक गाने करोड़ों व्यूवर्स लेकर आते हैं, तो निश्चित तौर पर यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है। और उससे भी ज्यादा आज का दिन गौरव के लिए है कि सिद्धपीठ सालासर बालाजी है और सालासर बालाजी के पावन स्थल पर बैठकर हम इनका साक्षात्कार करें हैं। हम चर्चा करेंगे मनोहर जी पुजारी जी, जिन्होंने उसी कार्यक्रम में, हम चर्चा कर रहे थे कि सालासर आए थे, उसी कार्यक्रम में सरस्वती के साथ उन्होंने सिद्धपीठ बालाजी का ही वो आशीर्वचन कहा था सवाई को कि आपके गले के अंदर सरस्वती है और आप निश्चित एक दिन पूरे देश में नाम करोगे। मनोज जी, आज सवाई इंडियन आइडल स्टार बनने के बाद आ रहे हैं, आप भी संगीत कला से जुड़े हो, क्या कहेंगे? देखो, पहले तो बहुत खुशी है और इसमें सभी का सहयोग रहा और सभी का प्यार रहा। जब 2017 में फर्स्ट बार जब सालासर आए थे सवाई, तो मैं भी उस मंच पे था जब इसने पहले आलाप लिया था। तो ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे कि क्या आवाज़ है, मज़ा आ गया था। उस टाइम ही मैंने बालाजी से प्रार्थना की कि बालाजी महाराज इस सवाई को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएं कि देश विदेश में इसकी पहचान हो। और उसी टाइम मैंने बोला था कि इसके
गले में सरस्वती साक्षात विराजमान है और बालाजी महाराज का आशीर्वाद 2017 में लगा था और वो पूर्ण अभी हुआ है। और बालाजी महाराज से पूरे पुजारी परिवार की तरफ से आशीर्वाद देते हैं कि ये खूब ऊंचाई तक पहुंचे, कहीं पे भी कोई बाधा नहीं आए, जो पीछे दिन गए थे वो सब गए, अब खुशी के दिन है, खूब आनंद करो, बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही देखो बालाजी महाराज की कृपा बनी रहती है, जब जब इनको याद करते हो आप बिल्कुल आपके सब काम करते हैं, जिसकी बालाजी में आस्था हो, और सवाई की खूब आस्था है बालाजी महाराज में, और अब यहाँ दर्शन करने के बाद में और भी इनकी आस्था बढ़ी है। हमारे पुजारी परिवार के काफ़ी सदस्य इनसे मिले हैं, बालाजी महाराज के दर्शन करवाए हैं, पूजा अर्चना करवाई है, और बालाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह भी इनको भेंट किया है। तो मैं बोलूँगा कि प्रतीक चिन्ह को हमेशा साथ रखें और बालाजी महाराज को हमेशा याद रखें। तो माँ सरस्वती और बालाजी महाराज दोनों साथ में होंगे तो बालाजी महाराज पीछे नहीं देखने देंगे, पीछे नहीं उड़ेगा, ये खूब आगे बढ़ेगा। ऐसे ही एक कलाकार और था हमारे सलासर बालाजी मंदिर में, झाड़ू निकालता था वो। तो एक बार प्रोग्राम था यहाँ लखबीर सिंह जी लखा का, तो उस प्रोग्राम में मैंने उससे एक भजन गवाया था। तो उस टाइम हैदराबाद से मनोज जी अग्रवाल आए हुए थे, तो उन्होंने बोला यार लड़का अच्छा गाता है। मैं क्यों, बालाजी महाराज के झाड़ू निकालता और झाड़ू निकाल निकालते गाता है। तो उन्होंने उसी टाइम, हमें तो पता ही नहीं चला, रात को उसको हैदराबाद ले गए, जयपुर, जयपुर से हैदराबाद, अभी वो हैदराबाद है, और वहाँ से उनको बाहर भी बैंकॉक वगैरह सब घुमा के लाए हैं, प्रोग्राम करवाए हैं, अभी उसका ठीक चल रहा है बालाजी महाराज की कृपा से, सब बालाजी का आशीर्वाद है। महेंद्र नाम है सोबासर का वो, और उस पर खूब कृपा बालाजी महाराज की, यही चाहते हैं बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे सब भक्तों में। देखिए हीरे की पहचान जोरी करता है। निश्चित तौर पर मनोहर जी ने कहा कि सवाई का आज से 2017 में कार्यक्रम था, उस समय पहचान गया था मैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, और संगीत के क्षेत्र में निश्चित तौर पर राजस्थान का गौरव बढ़ाएंगे। सवाई जी आप सालासर आए हो, सालासर बालाजी का एक कोई भजन गुनगुनाकर हमारे सभी श्रोता है उनको बताए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं एक हमारा राजस्थानी भजन है तो वो मैं बालाजी का ही है, वो सुना देता हूँ। सुनियो रे सुनियो टाबुरियारी बात बात रे, हो प्यारा बालाजी हो प्यारा बालाजी, हो सुनियो रे सुनियो टाबुरियारी बात बात रे, हो प्यारा बालाजी हो प्यारा बालाजी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर है। और बालाजी के भजन और बालाजी की महिमा को पूरे देश प्रदेश तक गाते हैं पुजारी परिवार के एक वरिष्ठ अंग के रूप में। मनोहर जी से भी हम विनती करेंगे कि एक भजन आप सालासर बालाजी का आप भी गुनगुनाए। अरे आया बाबा थारे द्वार द्वार रे, मैं जो बाटली। और बालाजी महाराज से ये प्रार्थना करते हैं, स्वाई की तरफ से मैं दो शब्द गुनगुना रहा हूँ। मेरा आपकी कृपा से क्या बात है, सब काम हो रहा है, करते मेरे बालाजी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर क्या कहते हैं, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी मेरा काम हो रहा है, क्या बात है? करता नहीं मैं कुछ भी मेरा काम हो रहा है, सवाई तेरा नाम हो रहा है। तो बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सवाई ऐसे ही गुनगुनाते रहें, बालाजी के भजन, बालाजी का और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। इनके लिए मनोहर जी के लिए कुछ दो शब्द आप भी गुनगुनाओ।